सो अभी हमारे लिए मैंगो शेक आया कि वो कड़ी हो गई। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। सो गाइज, सुबह सुबह हो गए हैं तैयार, क्योंकि हम जैसा बिजी तो कोई है ही नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है इस दुनिया में, क्योंकि हमारे काम जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी का नाम ही है काम नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा काम। वाह, क्या मैंने राइमिंग कर दी, काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम। वाह, शायर होता जा रहा हूँ यार। धूप इतनी बढ़िया पड़ती है ना, मतलब मेरे को ना बिल्कुल वो नहीं है कि मेरी आंखें बंद हो रही है कुछ। ये जो सनरेज है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब विटामिन डी मिलता है इससे, तो ये तो ज़रूर लेनी चाहिए। सो फिलहाल अभी का सीन ऐसा है कि मैं और मोनी जा रहे हैं दिल्ली, तो हमारा काम जो है वो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंट हो चुका है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, रेडी हो गए। अभी टाइम हो रहा है 9 और यहाँ से जाने में लगेगा 2-2.5 घंटे। तो चलते निकलते पहले, और फिर आज मंडे है, फिर ऑफिस का काम भी है यार, तो ऑफिस का काम भी करना है। चलो पहले चलते हैं। मोनी आई थिंक रेडी हो गई है। मोनी, आर यू रेडी? ओके, सो वी ऑल आर रेडी, सो लेट्स गो। हाँ यार, मम्मी भी रेडी हो गई। मम्मी आप कहाँ? मैं मंदिर। ये मंदिर? अच्छा, आज मंडे है? यस। ओह माय गॉड, शिव जी की भक्त है मम्मी जी। और मोनी की चोटियाँ नहीं बन रही है, चलना यार। आ गए हैं गाड़ी के अंदर एंड निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। सो बढ़िया, आजकल तो भाई मेरे को दिल्ली की रोडें याद हो गई हैं। मतलब आई नो विच फ्लाई ओवर आई हैव टू टेक। ओ माई गॉड, आई थिंक दैट टर्की आइसक्रीम इज इनसाइड मी राइट नाउ। गाइज बताना आपको ये ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, कमेंट सेक्शन में। अगर इरिटेटिंग लग रहा है तो बता देना। आई नॉट स्पीक लाइक दिस इफ यू डोंट वॉन्ट मी टू स्पीक लाइक दिस। इरिटेट करने के लिए बोल रहा हूँ शायद आप। नो 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 नो, आई डोंट वॉन्ट टू इरिटेट माई subscribers, but you want to irritate your wife? Yes, I want to irritate my wife, and that is my janm siddh adhikar. Nahi, isko bola Turkish mein, isko bol. So this is my right to annoy my wife. Oh wow, yaar aaj main subah se badi shayari maar raha hu bhai. Tu kal ke vlog mein dekhi hogi, alag hi shayari hai. Main bhul gaya subah maine kya mari thi, alag hi shayariyan ho rahi hain bhai, alag hi. चलो गाइस निकलते एंड देखते हैं कैसा सफर जाता है अपना। धूप सामने से आ रही है और खिड़कियां कवर करने में लगी पड़ी है मोनी। धूप सामने से आ रही है यार, साइड से भी आ रही है, कहीं नहीं आ रही साइड से। तो गाइस पहुंच गए हैं दिल्ली। सो अभी काम निपटाते हैं और यूं जाते हैं और यूं आते हैं आपके पास। तो गाइस हो गए, सारा काम निपटा दिया एंड योर गाड़ी, भाई साहब मैंने इतनी गर्म गाड़ी कभी नहीं देखी। मतलब घुसते ही ना ऐसे भाई, तो बहुत गर्मी हो रही है यार। न्यूज़ में आया तो है क्या, नेक्स्ट 4 दिन बहुत ही गर्म होने वाले हैं। बहुत गर्म यार, लिटरली मैंने इतनी गर्म गाड़ी कभी नहीं देखी। मतलब अभी भी मैं स्टेयरिंग को ढंग से नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इतनी इतना मतलब गर्म हो रखी है गाड़ी। बट AC भी कितना वर्क करेगा। सो चलो अभी चल रहे हैं भिवाड़ी। अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब बढ़िया काम हो गया, सारा ख़त्म। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपको सीधा भिवाड़ी में। सो गाइस पहुंच गए हैं घर एंड यार आज बहुत जाम था यार, आज तो अलग ही थकावट हो गई यार दिल्ली से यहाँ तक आने में। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी दिल्ली से यहाँ तक आने में, क्योंकि अब तो आदत हो गई है, इतनी बार गए। सो अभी आ गए घर, सो अभी करते हैं थोड़े से रेस्ट एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ आ गया है हमारे गर्मी का सहारा तरबूज। यार कितना सही लाल सा लग रहा है यार ये देखो मोनी इसको गुदगुदी कर रही है, तो कैसे आराम से खड़ी है। खुजली अबे क्या खुजली करवा रही है तू मेरी बीवी से? अब हटाएगी ना तो उसको बोलेगी हटाई वो नहीं हाथ। अच्छा इस मस्त तरबूज खा लिया, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट का काम निपटा के आते हैं। एक्चुअली पापा जो हैं वो गए हुए हैं गांव साइड, तो मैं सोचा पापा की थोड़ी सी ड्यूटी हम निभा लेते हैं। और अभी हम जा रहे हैं फ्रूट्स लेने, क्योंकि मोनिका को फ्रूट्स बहुत पसंद हैं
तो जाते हैं। आज पापा की बाइक हमारे हद से चढ़ गई है। अब देखो भाई, मस्त घुमाएंगे बाइक, आपको भिवाड़ी की गलियां दिखा के लाएंगे। बस ये स्टार्ट हो जाए, एक बार ही में स्टार्ट नहीं होती मुझसे। एक्चुअली क्या है ना, मेरी आदत छूट गई ना किक वाली बाइक्स की। अपन क्या है, सेल्फ मारी निकल लिए, ये ऐसी नहीं है, इस पर तो भाई किक मारनी पड़ती है। चलो देखते कितनी किक में होती है। स्टार्ट। ओए भाई, वीडियो देख के क्या सारे सबके काम अच्छे से हो जाते हैं क्या? बस बाय बल्ली, बाय बाय, चल रहे हैं भाई। मौसम बढ़िया हो रहा है आज, हवा चल रही है। सुबह तो भाई मैं बता रहा हूँ, आपने देखा था ना भाई, इतनी गर्मी मैंने ना आज तक नहीं देखी यार। मतलब लिटरली मैंने दो, मतलब कितने 5-10 मिनट तक तो गेट खोल के रखे, तब जाके जो है हमारी उसमें गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हुई है। पर यार बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। सो चलो अभी चलते हैं, फिलहाल मार्केट थोड़ा बहुत काम करके आते हैं, और मोनिका का भी थोड़ा सामान लेना है, वो भी लेके आते हैं। बट यार ये बाइक चलाने में ना मज़ा बहुत ही अलग है यार, बहुत ही अलग। सो आ गए हैं भाई, फ्रूट्स तो बढ़िया पड़े हुए हैं। भैया जी केले दे दीजिए। सो गाइस ले लिए आम और केले। अनार तो बढ़िया दिख नहीं रहे यार, इतने छोटे छोटे टिंगू से अनार हैं यार ये। पैसा, यूट्यूब मनी जो कि आ नहीं रही है अभी। गाइस तीन की क्वालिटी मार चुका हूँ, अब देखता हूँ कैमरे के सामने क्या करता है ये। देखा भाई, ये फैक्ट हो गया, कैमरे के सामने सारे सीधे हो जाते हैं, मतलब बढ़िया एकदम करके सब सीधे हो जाते भाई। बाइक भी स्टार्ट हो गई। और क्या मंगाया था? अरे यार एक तो मैं भूल गया यार, क्या मंगाया था, याद करता हूँ रुको। अच्छा हाँ याद आ गया, चलो दूसरी चीज़ लेने, लेट्स गो। यानी यार मैं सोच रहा था, बड़े दिन हो गए यार मोटो व्लॉगिंग नहीं करी। लास्ट पता नहीं कब करी थी यार, 4-5 व्लॉग पहले करी थी मैंने। पहले सोचा था यार बाइक राइड वगैरह पे जाऊंगा, पर गर्मी में टाइम ही नहीं मिलता यार बाइक राइड करने का। और यार इतनी धूप में तो भाई मैं उस दिन मैं नानक मत चला गया, मैं अब तो नहीं जा पाऊंगा अगर ऐसी धूप हुई तो। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी आपको मोटो व्लॉगिंग देखने को मिलती रहेगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। यार आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपना फ़ोन भुला हूँ घर पे यार, बताओ। अगर कभी कहीं व्लॉगिंग करनी हो तो गोप्रो तो है, वो बात ठीक है, फ़ोन कैसे भूल गया यार, हद हो गई है। चलो कोई नहीं, अब दूसरी जगह दवाइयाँ ले लें, थोड़ी सी दवाइयाँ। ऑल राइट, सो सारे कामों से हो गए हैं फ्री, अब चलते हैं घर को। इसकी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? इसको समझ आ गया कि हमको समझ आ गया कि इसको जो पता है वो हमको पता है, कंफ्यूज कर दिया ना मैंने। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, चलो चलते हैं घर। अंदर खड़ी कर देते हैं। ओए खुला हुआ गेट, चलो चलो चलो, देख रहे हो ऑटोमेटिक है गेट, आते ही खुल जाता है अपने आप। आ गए। आप सोचते हो कि ये सब ऐसे बच्चों का क्या बना हुआ है और ऐसे कलरफुल सा? एक्चुअली ये पहले स्कूल था बट अभी नहीं है, तो पहले प्ले स्कूल था तो यहाँ पे बच्चे लोग आते थे। सो मम्मी ने बोला था घंटी मार देना, अब यार इनमें से कौन सी घंटी है यार, ये भी तो कन्फ्यूज़न है। चलो आवाज़ मार देते हैं मम्मी। सो चलो चलते हैं घर की तरफ वापसी। बल्ली कूदेगी या नहीं कूदेगी कमेंट सेक्शन में बताओ, 100% कूदेगी, देखते हैं।
यार हवा कितनी सही चल रही है एंड यार यहाँ पार्टी में ना अभी मैं देख के आई, ये जो भैया बैठे ना यहीं पे ऐसे टिक्की पताशे रखे हुए, बढ़िया से हो रखा है मामला। बल्ली 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 चोटी बाबू कुछ बली बाबू। हाँ हाँ क्या हुआ, पहचान नहीं रही क्या मेरे को? यार देखो अभी मैं सिर्फ सिटी में बाइक राइड करके आया हूँ और हालत देखो कैसी सी होगी, एकदम मतलब ना पसीने पसीने और एकदम अभी मैं मुंह धो के आया हूँ तब ऐसा ऐसा लग रहा हूँ मैं भाई। हेड्स ऑफ टू मुंबई कर निखिल और जो भी बाइक राइड करते हैं लंबी लंबी, यार बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। अपन भी करेंगे बहुत जल्द, थोड़ी आदत पड़ जाए उसके बाद करेंगे। सो गर्मी की बात कर रहे थे तो फिलहाल मम्मी चाय लेके आ गई है गर्मी की बात से, एंड यहाँ पे दीपक के हैंडमेड कुकीज़ हैं। ये दीपक है क्या, ये दीपक है? सो देखते कौन सा खोले, ये खोले हैं कि ये खोले हैं, चलो डिसाइड करता हूँ, पीता हूँ एंड फिर मिलते हैं। बल्ली सबको 8:15 बज गए हैं और बेला जो है वो बॉय जा चुकी है। ये बेला आ गई आ गई आ गई। अरे यार उसका आवाज नहीं मारनी होती। ओए सो गाइस आ गया हमारा आज का डिनर और डिनर में आज है करेले एंड मेरा फेवरेट कटहल। यो यो चलो खाते हैं कटहल एंड फिर बढ़िया देखते हैं। सो अभी हमारे लिए मैंगो शेक आया है, देखो कड़ी हो गई। क्या पीना है तुझे मैंगो शेक? सो गाइस मस्त डिनर हो गया एंड यार आज का दिन तो पता ही नहीं चला कब रात हो गई कब दिन हुआ, मतलब आज का दिन ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा फास्ट निकला है। मतलब मैं चाह रहा था कि मैं व्लॉग शूट करूं बट टाइम ही नहीं, मतलब अभी मैं देखा कि यार चलो अब सोने का टाइम हो गया, मैंने कहा यार क्या टाइम का पता ही नहीं चला आज बिल्कुल भी, बट कोई बात नहीं। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अभी एडिटिंग करने बैठना है, फिर अभी मंडे भी था एंड ऑफिस भी था एंड फिर गए भी थे तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक था शायद, इसलिए दिन जो है वो बहुत एकदम ही सर्राटे से निकल गया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय टाटा।